अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं जी? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करी हूँ, बहुत इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली। ये देखिए, ये में है बैंगन के कतले जिनको मैंने फ्राई किया है, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। और साथ में इसका मैंने ये दही ले लिया है और ये हरा मसाला ले लिया है। तो आइए अब रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन ले लिए, बैंगन के ये ऊपर वाले जो हैं इस तरह करके ठीक है। उसके बाद ये हमने इस तरह ये ऐसे ये देखे इतने इतने इसके हमने स्लाइस बना लेने इस तरह के। वो देखिए, हाँ जी, ये देखिए बैंगन मैंने कट कर लिए ठीक है। और इसको करेंगे हम साइड पे। अब इसका बनाएंगे हम मसाला। एक बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे हम अपने हिसाब से। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन जो हम मसाला हमारा बैंगन को पूरा लग जाए। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च ले लिया है, और इसी हिसाब से मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, और जी 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट मसाले का, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसमें सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं ठीक है। मैं ऐड नहीं कर रही, तो उसकी भी अपनी एक अच्छी खुशबू होती है। इस तरह हम इसके इस तरह कर देंगे, तो जो चिपकना होगा चिपक जाएगा, उसके बाद जो उतरना होगा ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करके कर देंगे, सारा मसाला इसको लग जाएगा। इसी तरह हम सारे पे आए, मैंने सबको मसाला लगा लिया है, और अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। हाँ जी, फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और अब इसमें डालूंगी मैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, और हल्का सा इसमें डाल के, और ये हमारे बैंगन है इसको हम इस तरह हमने इनको बिल्कुल हल्के आग में फ्राई कर लेना है। 2 मिनट 1 मिनट हो चुका है, अब हम इनकी साइड चेंज कर लें। ये देखिए, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए, साथ में मैं इसको इसी तरह हम सारे भी थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसमें हम इस तरह करके, फिर हम इसको इसमें रखें। ये देखिए, मैं साथ में तवे पर भी फ्राई कर रही हूँ, और इसमें फ्राई पैन में भी फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जैसे ही फ्राई होते हैं, फिर हम इनको डिश में निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए बैंगन हमारे रेडी हो चुके हैं, और साथ में ये देखिए ये हरा मसाला है। तो अब ये जो धनिया है इसके ऊपर हम इस तरह डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज मैंने कश करके रखा हुआ है वो डाल देंगे इसके ऊपर, पुदीना है ये डाल देंगे। ये देखिए जी, और साथ में लीमू है, वो आपकी मर्जी है डालें या स्किप करें। इस तरह मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ठीक है। और साथ में ये है दही, खाली दही है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया। अब यहाँ से हम निकालेंगे, एक पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लेट में रखेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रायता, इस तरह मतलब दही, सॉरी रायता नहीं, दही डालेंगे,
फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़े से प्याज ऐड करेंगे और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ में अब हम लेंगे, ये देखिए मैंने ले लिया एक रोटी, और मैं अब आपको ये टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी ले लिया इस तरह हमने, इतने नरम हुए होते हैं फ्राई होने के बाद कि एक बाइट के साथ आ जाते हैं। ये देखिए ये वन, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।